समय आ गया है। चलिए रुक कर लेते हैं इंदौर का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जिंदा कारतूस के साथ इंदौर एयरपोर्ट पर एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान जयपुर निवासी प्रदीप सिंह के पास से जिंदा कारतूस मिला। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर ने चेकिंग के दौरान युवक को पकड़ लिया। एरोड्रम पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई भी की है। बताया जा रहा है इंडिगो की फ्लाइट से आरोपी दिल्ली जा रहा था, जिसके पास जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस अब इस मामले की जांच करेगी और आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान जयपुर निवासी प्रदीप सिंह के पास जिंदा कारतूस मिला। फ्लाइट से आरोपी दिल्ली जाने की फिराक में था। चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, जांच में क्या कुछ सामने आया अब तक? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पूछताछ कर रही है। जयपुर के रहने वाले हैं प्रदीप, जिनके खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत एरोड्रम पुलिस ने कार्रवाई की है। एरोड्रम पुलिस का कहना है कि उनसे पूछताछ की जा रही है कि जिंदा कारतूस कहां से आया और जिंदा कारतूस को लेकर वो जो दिल्ली जा रहे थे उसकी वजह क्या रही है। फिलहाल पूरे मामले की पूछताछ चल रही है। दूसरी तरफ जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर है, उन्होंने उन्हें जिंदा कारतूस साथ पकड़ा था। सिक्योरिटी जो अब चेकिंग कर रहे थे, चेकिंग के दौरान पर कुछ चीजें ऐसी दिखी, उसके बाद बैग की बारीकी से जांच की गई। निचले वाले हिस्से में एक कारतूस निकला था और एक कारतूस और उसमें मिला है जो कोई तरीके से यूज हुआ था, यानी कारतूस का जो खोखा होता है वो भी बरामद हुआ है। अब एरोड्रम पुलिस ने 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी है, पूछताछ जारी है। जयपुर के रहने वाले हैं, दिल्ली जा रहे थे, कारतूस का क्या काम, एयरपोर्ट पे चेकिंग कर रहे थे तो उस दौरान पर कहां से आया ये कारतूस, तमाम बातों को लेकर जांच चल रही है। चलिए शुक्रिया मिथिलेश जानकारी के लिए। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। अगली खबर भी इंदौर से है, आपको बताते हैं, जहां नशेड़ियों ने 24 घंटे के अंदर ही एक महिला का सुहाग छीन लिया। ललितपुर से शादी करके परिवार के साथ लौट रहे थे, नशे में धुत युवक युवतियों ने जमकर मारपीट की और नशे में धुत युवकों ने दो सगे भाइयों पर चाकू से हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि घायल दीपक की इस दौरान मौत हो गई। दीपक की कोर्ट मैरिज कर परिवार दुल्हन को लेकर इंदौर लौट रहा था। नई दुल्हन के साथ युवती ने मारपीट की। कनाड़िया बायपास के पास शनिवार रात लगभग 1 बजे की यह घटना बताई जा रही है, जहां एक युवक की मौत हो गई। उधर से आते वक्त टाइम पे उधर से गाड़ी आई, इनकी हमारी गाड़ी भी थी तो उनकी गाड़ी ने टक्कर मार दी, सीधे मारी। तो इसके बाद हम लोग उतरे नहीं, उन्हीं वो ही उतरे हमारे ऊपर। वो सीधा उनसे बोला कि भैया गाड़ी धीरे से चला, तो वो सीधा मारपीट ही करने लगे थे। किन किन लोगों से मारपीट? राजकुमार भैया के पास, दीपक भैया के साथ, वो क्योंकि एक्चुअली आगे बैठे थे वो दोनों। काहे से हमला हुआ इनसे? चाकू से सर। दोनों को चाकू लगे? जी सर, दोनों को। जी सर, दोनों सगे भाई हैं वो। आज किसकी डेथ हुई? आज डेट हुई रात में करीब 10:30 बजे, दीपक भैया की, जिनकी शादी अभी कराई। जी, जिनकी शादी अभी कराई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरबा से बड़ी खबर, जहां न्यूज एंकर सलमा की हत्या के आरोप में दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। हत्या के आरोप में जिम संचालक और उसका साथी गिरफ्तार हुआ। 5 साल पहले न्यूज एंकर की हत्या कर जमीन में उसके शव को दफन किया गया था। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में थी और एक बड़ी सफलता मिली है। दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुसमुंडा पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेगी। तो न्यूज एंकर सलमा की हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या के आरोप में जिम संचालक और उसका साथी गिरफ्तार हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्जैन से बड़ी खबर, जहां प्रेमिका से परेशान युवक ने खुदकुशी कर ली। प्रेमिका और उसके परिवार द्वारा युवक को ब्लैकमेल किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, ऐसा उसके परिजनों का कहना है। बताया जा रहा है कि युवक ने शिप्रा नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। खुदकुशी से पहले युवक ने सोशल मीडिया पर प्रताड़ित करने का वीडियो भी पोस्ट किया था। वीडियो में युवती और उसके परिवार वालों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। फिलहाल इस वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन 2 दिन बीत चुके हैं अब तक,
युवक का शव नहीं मिल पाया है। गोताखोर की टीम लगातार युवक के शव को तलाश रही है। शिप्रा नदी में कूदकर इस युवक ने अपनी जान दे दी। हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमें मतलब हमारी सफाई देने का कोई चांस ही नहीं मिल रहा है और हमारी सफाई सुन भी नहीं रहे हैं, हमारे बयान भी नहीं ले रहे हैं, मतलब मेरे बयान भी नहीं ले रहे हैं। तो मैं हमारे एमपी की सरकार से निवेदन करूंगा कि मुझे इंसाफ दिला दो, ठीक है। अभी मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, अपने यहाँ बड़े पुल से, नरसिंह घाट से नदी में कूद कर जान देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे जीने से कोई मतलब नहीं है। सब दूर से मेरी मतलब इज्जत की 12 बजा दी है उस लड़की ने, और उसके बाद में उसको राजीनामा ले लिया, और उसके बाद में भी अब मुझे परेशान कर रही है। तो मैं इतने पैसे नहीं ला सकता, और इतने पैसे मेरे पास में है भी नहीं जो मैं उसको दूंगा। चलिए उज्जैन के बाद अब रुक कर लेते हैं ग्वालियर का, जहां मोबाइल लूटने वाले को पीटा गया है। युवक का मोबाइल छीन कर दो युवक भाग रहे थे, राहगीरों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई हुई। तलाशी में लूट का मोबाइल भी मिल गया। लोगों ने चोरी के आरोपी को बांध कर पीटा और पीटने के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पड़ाव थाने के फूलबाग मैदान के पास की एक घटना है, जहां एक युवक का मोबाइल लेकर दो चोर भाग रहे थे, जिसमें से एक जनता के हत्थे चढ़ा और उसके बाद उसको जमकर पीटा गया। इधर खरगोन में युवतियों में आपस में जमकर लात घूंसे चले। बताया जा रहा है कि एक दूसरे की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऋण मुक्तेश्वर महादेव के शिवडोले में डांस करने के दौरान युवतियों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट की आ गई। रविवार को जैतापुर इलाके में भगवान ऋण मुक्तेश्वर महादेव का शिवडोला निकला था, युवतियां डांस कर रही थी, अचानक ही विवाद हुआ और फिर जमकर मारपीट। खबर सागर से है, जहां असामाजिक तत्वों ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया। घटना से ग्रामीण भी आक्रोशित हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर का सामान बाहर फेंक दिया गया। देवरी के हर्राखेड़ा की यह घटना है। इधर ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मंदिर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया असामाजिक तत्वों द्वारा। मंदिर के अंदर रखे सामान को सड़क पर फेंक दिया गया। इधर ग्रामीणों ने इसका विरोध जताया और पुलिस को इसकी सूचना दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर अरुण साव के प्रदेश अध्यक्ष बनने के एक साल पूरे होने पर बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पार्टी दफ्तर पहुंचे। इसे लेकर मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर निशाना साधा। अमरजीत भगत ने कहा कि किसी को भी बुलडोजर चलाकर आशियाना उजाड़ने ये सरकार नहीं देगी। कांग्रेस घर बनाने में विश्वास करती है। अरुण साव ने भ्रम पाल रखा है, वो कभी पूरा नहीं होगा। और जिन बातों को उन्होंने कही है कि सरकार बनने पे बुलडोजर